हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी की एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी और 1/4 कप मैंने ताज़ा दही लिया है। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसके अंदर मैं डालूंगी सूजी। ये एकदम बारीक वाली सूजी ली है मैंने और अब इसके अंदर मैं डालूंगी दही और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अगर आपको इसमें ज़रूरत लगे तो आप पानी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और अच्छे से इसे हम मिक्स करते रहेंगे। आप इसे पूरे दही के अंदर भी अच्छे से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करो। और इसके अंदर मुझे थोड़े पानी की और ज़रूरत लग रही है, तो अच्छे से इसे हम मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक इसे हम लोग साइड पे रखेंगे। तो इसे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो ये हमारा अच्छा डो रेडी हो गया है। अब हम वेजिटेबल डालेंगे, तो देखते हैं हमें क्या क्या वेजिटेबल लगेगा। इसके लिए मैंने एक बीटरूट लिया है जिसको कद्दूकस किया है, एक गाजर कद्दूकस की हुई, मैंने एक शिमला मिर्ची ली है, थोड़ा सा मैंने बीन्स लिया है, टमाटर लिया है और हरा धनिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। अब मैं इस बैटर के अंदर सारी वेजिटेबल ऐड कर दूंगी। आप चाहो तो इसके अंदर आपको जो पसंद है आप वो वेजिटेबल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और जैसे मैंने बीटरूट और गाजर को कद्दूकस करके लिया है, आप चाहो तो उसे बारीक बारीक कट करके भी ले सकते हो। और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अब अगर आपको डो थोड़ा मोटा लगे तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे जो ड्राई मसाले हैं वो। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, टेस्ट के हिसाब से डालना है। अब इसके अंदर मैं जीरा ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कद्दूकस की भी अदरक ली है। आप चाहो तो अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भी ले सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। आप चाहो तो इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और अच्छे से मिक्स करके इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड पर रखेंगे कि बीट रूट का कलर अच्छे से हमारे इसके अंदर आ जाए। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तवा गरम करने रख दिया था, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और अच्छे से ऑयल को फैला देंगे तवे पे। अगर आप नॉनस्टिक तवा ले रहे हैं तो आपको कम ऑयल डालना पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर राई डाल रही हूँ, आप यहाँ पर कड़ी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा बैटर। तो हमें थोड़ा सा थिक बैटर इसको बनाना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे। तो ये हमारा अच्छा हो गया है। अब मैं साइड में हल्का सा ऑयल लगाकर कवर करके इसको अच्छे से पकाएंगे। तो ये ऊपर से एकदम अच्छा ड्राई हो गया है, तो हल्का सा ऑयल लगाकर इसे हम पलट देंगे। तो अब मैं इसे पलट दूंगी। तो फ्रेंड्स, देखो कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर और एक साइड से एकदम अच्छा सिक गया है।
तो इसे फिर से हम कवर करके थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, तो दूसरी साइड से भी एकदम अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम एक और बना लेंगे। अब मैं इसके अंदर राई डाल रही हूँ। दूसरे वाले टाइम में हमें ऑयल बहुत कम लगेगा। और अब इसके अंदर हम सारा बैटर ऐड कर देंगे और अच्छे से स्प्रेड करके इसे पकाएंगे। और इसे अब हम कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखो दोनों साइड से एकदम अच्छी क्रिस्पी हो गई है और इसको अब हम कट कर लेंगे। तो मैंने ये सब अच्छे से कट कर लिया है। देखो इतना थिक रखना है हमको और ये कलरफुल बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई करो। इसको मैंने सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो। थैंक यू।